हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 6, विच इज बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। और ये एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में से सिर्फ आपके कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं इस साल के सिलेबस में, 22-23 में। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। और हम बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी फुल डिटेल में अपने इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्किप मत करना, अगर आए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक है। सो इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? एक तो आपका टाइप्स ऑफ कॉस्ट आएगा, उसके बाद आपका यूनिट ऑफ स्केल, प्राइस एंड यूनिट ऑफ कॉस्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में आपका बस ब्रेक इवन पॉइंट। सिर्फ ये कुछ कंसेप्ट है चिन्ह मिन्ने से, वो हम कर लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब आ जाओ आप एनसीईआरटी के पेज नंबर पे, आई टेल यू जहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ ये रहा, तो पेज नंबर 170 पे आ जाओ। पेज नंबर 170 पे यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ सेल क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ में नापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिजनेस में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो मेजरमेंट करना या फिर किसी भी चीज़ को नापना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर सेल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कितनी बिक्री हुई है, कितनी हमारी लागत लगी है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है ना। सो कोई भी अगर हमें कॉमन, हमारे पास अगर कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं होगा नापने का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। हमारे पास एक मेजर होना चाहिए, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड है तो वो लीटर लीटर में नापता है। अब अगर लीटर की जो ये यूनिट है वो ना होती तो हम कैसे लिक्विड को नापते हैं? मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता बल्कि, है ना। सो इसलिए मेजरमेंट को नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए, स्पेशली इन द बिजनेस। सो यूनिट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है? यूनिट ऑफ सेल का मतलब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट ऑफ सेल को जानना। अब यूनिट ऑफ सेल जो है हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो आपका बिजनेस है किसी लिक्विड का, या फिर डेयरी का आपका बिजनेस है, डेयरी का, तो उसमें आपका यूनिट ऑफ सेल्स क्या होगा? लीटर के हिसाब से, है ना, तो इस टाइप से। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ सेल का क्या मतलब है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ वट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो हमने बेचे हैं, उस चीज़ का ये मेजरमेंट है ना। सो थिंक ऑफ यूनिट ऑफ सेल एज द यूनिट यू वुड यूज़ टू बिल अ कस्टमर। अगर आप किसी भी कस्टमर को कोई बिल बेचते हो या फिर बिल देते हो, तो आप किस हिसाब से उस बिल को मेजर करोगे, तो ये देखना है। हा सो हाउ डज अ लॉयर बिल हिज क्लाइंट? मोस्टली बाय द नंबर ऑफ आवर्स। सो अगर आप लॉयर हो, अगर आपने किसी क्लाइंट को सर्व किया है, तो आप कैसे उसको मेजर करोगे? ऑब्वियसली आपने उस क्लाइंट के साथ कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे उसके साथ आपने इशू सॉल्व करे हैं, तो आप घंटों के हिसाब से पैसे लोगे, तो वो आवर जो है इस केस में मेजरमेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, सो फॉर द लॉयर टाइम, लॉयर के लिए टाइम जो है वो उसका मेजरमेंट यूनिट है ना, और इट्स अ यूनिट ऑफ सेल। इन द एग्जांपल ऑफ सेलिंग शूज़, अब किसी का व्यापार है जूते बेचने का, तो पेयर ऑफ शूज़ की उसने कितने जोड़ी जूते बेचे पेयर में, है ना, सो वो उसके लिए यूनिट ऑफ सेल है। अब इस ज़्यादा समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बिजनेस लिए हुए हैं और उसकी यूनिट ऑफ सेल बताई हुई है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फ्रूट बेचने वाले अंकल हैं, तो उन्होंने किलोग्राम के हिसाब से सेल किया, किलो के हिसाब से, ग्रॉसर भी किलो के हिसाब से, डेयरी और ग्रॉसर है ऑयल एंड मिल्क का, तो उन्होंने लीटर के हिसाब से बेचा है। गारमेंट या फिर टेक्सटाइल शॉप है, तो यहाँ पर मीटर या फिर पीस के उसमें, रियल एस्टेट है तो स्क्वायर फीट के उसमें, है ना, प्लम्बर है तो आर, ऐसे ही लॉयर कंसल्टेंट कोचिंग क्लास भी घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं, और बेकर जो है वो केक के, अगर वो केक बेचता है तो किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा, और वेजिटेबल बेचता है तो पीस और डजन डजन के हिसाब से बेचेगा, है ना। सो यूनिट ऑफ सेल किस लिए ज़रूरत है? इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की इकोनॉमिक्स के लिए। बिजनेस आपका किसी भी टाइप का है, वो किसी ना किसी मेजरमेंट के हिसाब से आप उसको चार्ज करते हो। मान लो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो आप कितने घंटे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या फिर बच्चे आपके घर पर आ रहे हो, उस हिसाब से आप चार्ज करते हो मेजरमेंट के हिसाब से, राइट। अगर आपका डेयरी का बिजनेस है, जूस का बिजनेस है, तो ग्लास के हिसाब से आप ग्लास की मेजरमेंट के हिसाब से आप पैसे चार्ज करते हो। सो दैट्स वाई यूनिट ऑफ सेल, ठीक है।
इसको हम यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। अब ऐसे ही हम आते हैं यूनिट कॉस्ट पे। अब कॉस्ट क्या होती है, लागत की, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कितने पैसे लगे हैं। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी टू प्रोड्यूस स्टोर एंड सेल वन यूनिट ऑफ सेल। तो क्या होता है, एक चीज़ को बनाने में या फिर इस पेंसिल को ही बनाने में कंपनी को कितनी लागत लगी है, इस पेंसिल को बनाने में कितना उसको पैसा लगा है, कितने पैसे उसने इसको स्टोर करने के लिए लगाया है कंपनी ने, कितने पैसे उन्होंने इसको सेल के लिए लगाया, मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह से। तो मतलब इस पेंसिल की ओवरऑल, इस पेंसिल के ऊपर जितना भी पैसा लगा है, चाहे इसको प्रोड्यूस करने में, चाहे इसको स्टोर करने में, चाहे इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करने में, तो वो जो लागत है टोटल मिला के यूनिट कॉस्ट बन जाती है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, हेयर द टोटल यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, सेल्स कमीशन, फ्रीट वगैरह, है ना। तो क्या होता है कि इस पेंसिल को बनाने में कितना आपका रॉ मटेरियल लगा है, कितने आपके पैकेजिंग के लगे, कितनी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के पैसे लगे हैं, कितने आपके सेल्स कमीशन और भाड़ा किराया वगैरह लगा है, तो ये सब मिला के आपका यूनिट कॉस्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है टी वेंडर का, मतलब एक चाय बेचने वाले अंकल है, उनका एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे कि एक टी वेंडर है और अगर हम उनका टोटल खर्चा जोड़े कि उस एक छोटे से कप ऑफ टी बनाने में उनका कितना खर्चा होता है, तो वो देख लेते हैं। तो उनका कॉस्ट पर कप कितना है, मिल्क लगा लो, दूध आता है, चीनी आती है, पत्ती आती है, कुकिंग फ्यूल भी लगता है, डिस्पोजेबल कप भी आते हैं, तो इन सब का पैसा जोड़ के तो क्या बनेगी, यूनिट कॉस्ट बनेगी। जब हम यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होगी, भाप वाप इवेपोरेशन भी होता है ना। तो एक लीटर मिल्क लगेगा, 2 लीटर पानी लगेगा, क्या पता 1 लीटर मिल्क में जो 30 कप बनने थे वहाँ की जगह 28 ही बने या फिर 27 ही बने, क्योंकि थोड़ी बहुत वेस्टेज भी तो होती है ना इस वजह से। सो फॉर द टी वेंडर के लिए 1 कप यानी कि 100 ml जो है वो यूनिट ऑफ सेल है, और टोटल कॉस्ट उनकी कितनी लगेगी, मतलब 1 कप तो उनका यूनिट ऑफ सेल हो गया कि उन्होंने कितना बेचा है, है ना। अब उनका जो टोटल कॉस्ट यानी कि यूनिट कॉस्ट कितनी लगेगी, जब आप शुगर, मिल्क, टी पाउडर इन सब की जो कॉस्ट है वो ऐड कर लोगे तो वो आपकी यूनिट कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आपको कॉस्ट ऑफ मिल्क, शुगर, टी लीव्स, कुकिंग फ्यूल, डिस्पोजेबल कप, जैसे कि 100 कप्स को आप जोड़ो, इन सब का कितना कितना पैसा लग रहा है, डिवाइड बाय करो टोटल क्वांटिटी से, तब आपकी एक जो कप की कॉस्ट है वो निकल के आएगी। ठीक है। सो ये था यूनिट कॉस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिट प्राइस के बारे में। यूनिट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिस पे आप किसी भी एक चीज़ को बेचते हो, जैसे कि टी वेंडर वाले एग्जांपल में हम 1 कप कितने का बेच रहे हैं, तो वो चीज़। अब यहाँ पर वही लिखा है कि टी वेंडर के केस में आप 1 कप जो कि 100 ml का होता है उसके लिए कितना चार्ज करते हो। तो किसी भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करने में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, जैसे कि उस चीज़ को बनाने में कितनी लागत लगी है, है ना, उस चीज़ को बनाने में कितनी लागत लगी है, प्लस दूसरे फैक्टर्स भी लगते हैं साथ के साथ, है ना। सो यहाँ पर देखो, अगर यूनिट कॉस्ट 1 कप को बनाने की 3 रुपये, तो ऑब्वियसली हम उसको 3 रुपये में तो बेच नहीं सकते क्योंकि हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है। सो इसलिए उसका जो प्राइस है वो कम से कम भी 4 रुपये तो होगा ही होगा, है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमारे सिलेबस में ये 3 ही थे जो अब मैंने आपको पढ़ाई, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि यूनिट प्राइस में से माइनस करोगे यूनिट कॉस्ट तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जैसे कि जितना भी आपने प्राइस रखा है माइनस जितनी भी आपकी लागत है, कॉस्ट है, उसको माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। जैसे कि आपका 4 रुपये का कप आपने प्राइस रख दिया कि मैं 1 कप 4 रुपये का बेचूंगा और उसके बाद मेरे को लगता है 1 कप बनाने में 3 रुपये, तो 1 रुपये का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है। सो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि हमें सिलेबस में पढ़ना था। अब हमें पढ़ना है दूसरा टॉपिक, टाइप ऑफ कॉस्ट। तो 3 टाइप की कॉस्ट होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कॉस्ट और एक्सपेंस, जो कि बहुत सिमिलर लगते हैं, बट क्या ये दोनों सेम है, ये चीज़ हमें देखनी। सो कॉस्ट भी मतलब पैसे लगाना होता है और एक्सपेंस भी मतलब खर्चा होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसकी अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे रखी है, बट हमें थोड़ा बहुत जितनी भी हमने रिसर्च करी है NCERT ने, तो उसके हिसाब से इन दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहाँ पर एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि कितना पैसा जा रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है ना, और ये कोई इवेंट होता है, कोई भी एक ऐसा सिचुएशन होती है जब हमें पैसा
देना पड़ता है किसी भी चीज में, है ना। और कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट मतलब कि आप किसी भी चीज पर पैसा लगा रहे हो ताकि वो आगे जाके हमें कोई रिजल्ट दे सके, उसको हम कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ यू कैन से इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस खोला है, उस बिजनेस को खोलने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, कॉस्ट लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको उससे आगे जाके प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आप उस पर अच्छी मेहनत करोगे तो। सो दैट इज कॉस्ट। और एक्सपेंस जो है उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सपेंस करोगे तो मतलब आपको उसके लिए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इट इज रिलेटेड टू आउटफ्लो ऑफ कैश कि आपका पैसा जाया जा रहा है। कॉस्ट यहाँ पर ये होता है कि आप फ्यूचर में उस चीज़ का आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दैट इज कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉस्ट जो है उस कॉस्ट और एक्सपेंस का एक एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे एक फैक्ट्री में तीन तीन प्रोडक्ट बनते हैं और हर एक प्रोडक्ट के लिए स्पेस चाहिए होता है। जैसे एक प्रोडक्ट के लिए 50%, 30% और 20% रेंट लगता है 50,000 रुपये का पर महीना। 50,000 रुपये में खर्च नहीं पड़ता है रेंट देने के लिए, तो होता वो होता है आपका एक्सपेंस। लेकिन ये जो तीन प्रोडक्ट हैं इनको बनाने के लिए आपको लगता है 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये, है ना। द अमाउंट इज देन एलोकेटेड बिटवीन, मतलब एक प्रोडक्ट को तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना पैसा लगता है। तो ये तीन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पास आपने जो पैसा लगाया है, हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट आप बेचोगे तो आपको इससे मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो कॉस्ट वही होती है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगा रहे हो तो इन फ्यूचर उससे प्रॉफिट आएगा। सो इसलिए इस चीज़ को हम कॉस्ट कहते हैं। और जो सिर्फ जाया जा रहा है उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कॉस्ट एंड एक्सपेंस का एग्जाम्पल। अब हमें पढ़ना है कि टाइप ऑफ कॉस्ट क्या होती है। तीन टाइप की कॉस्ट हम यहाँ पे बोलेंगे होती है। एक होती है स्टार्टअप कॉस्ट और एक होती है ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट में भी दो कॉस्ट आती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। अब आप सोचोगे ये तो हमने पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स में। यस, ये आप इकोनॉमिक्स में स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हो कॉस्ट वाले चैप्टर में, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो इतनी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बट टेंशन मैं समझा दूंगी। ओके, स्टार्टअप कॉस्ट कौन सी होती है? जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी व्यापार आप स्टार्ट करते हो, तो उस चीज़ के लिए आप ज़मीन खरीदोगे, है ना, प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे और लेबर रखोगे, रॉ मटेरियल लेके आओगे, समझ रहे हो, कंप्यूटर्स वगैरह लेके आओगे। मतलब टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें लेके आ रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स को आप हायर करोगे, है ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी आप हायर करोगे। तो ये एक बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लग रहा है उसको हम स्टार्टअप कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल और वेसल, सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्रेशन, इनॉग्रेशन सेरेमनी, रॉ मटेरियल, सैलरी, रेंट, एडवांस। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि वन टाइम है या फिर स्टार्टअप कॉस्ट है ना। तो यहाँ पर स्टार्टअप और वन टाइम थोड़ा बहुत इंटरचेंजेबली है। हम स्टार्टअप ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप का क्या मतलब होता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए जो पैसा लग रहा है वो स्टार्टअप कॉस्ट हो गई। ठीक है, सो दो टर्म्स है। कभी कभी हम स्टार्टअप भी बोल देते हैं, कभी कभी हम वन टाइम कॉस्ट भी बोल देते हैं, बट यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मान लो हमारा कंप्यूटर का कोई बिजनेस है, तो क्या पता, जैसे वन टाइम बोल रहे हैं कि वन टाइम भी आप इसको कह सकते हो, तो क्या पता कंप्यूटर खराब हो जाए और हमें दोबारा से लाने पड़े, तो स्टार्टअप या फिर वन टाइम में कैसे आ जाए। तो जनरली हम वैसे स्टार्टअप ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलना, क्योंकि स्टार्टअप में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाद में भी हमें खरीदनी पड़ सकती हैं। सो इसलिए हम कभी कभी स्टार्टअप भी कर देते हैं। सो वन टाइम जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, सो दैट्स व्हाई हमने इस कॉस्ट का नाम स्टार्टअप रखा। ठीक है, तो ये होता है। अब ऑपरेशनल कॉस्ट पे आ जाओ। ऑपरेशनल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी लागत जो कि हमें करनी होती है डे टू डे अपना बिजनेस चलाने के लिए। और इसलिए इस कॉस्ट में दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी, चाहे आपका प्रॉफिट जीरो हो, हाई हो या लॉस में जा रहा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बिजनेस के आउटकम से या फिर प्रॉफिट के आउटकम से। आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, जीरो है, नल है, कुछ भी है, आपको पैसे देने ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेंट बिल्डिंग का या जिस भी जगह आप काम करो उसका देना ही देना पड़ेगा। सैलरी आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल आपको देना ही देना पड़ेगा। सो दैट इज फिक्स, जो कि फिक्स्ड है, ये कॉस्ट आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ठीक है, सो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो,
कंसल्टेंसी चार्जेस, ट्रैवल, सैलरी, वेजेस, रेंट, टेलीफोन, वाटर, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी, एम्प्लॉय वेलफेयर, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है? और भी आप कुछ याद आ जाए आपको तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड नाउ द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जैसे मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो फिर ये जो कॉस्ट है ना ये अपने आप ही बढ़ जाती है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जैसी कमाई वैसा ही खर्चे, ऐसा ही सिस्टम होता है वेरिएबल कॉस्ट में। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो आप कॉस्ट भी ज़्यादा ज़्यादा लगाते जाते हो। क्यों? अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो अगर आपको एक महीने में जहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट होता था वहां पर अब आपको 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं अगर और प्रोडक्ट बनाऊंगा और ज़्यादा कॉस्ट लगा के और ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा, लेबर भी ज़्यादा रखूंगा, तो फिर मुझे क्या पता 1,60,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, क्या पता वो प्रॉफिट 2 लाख पे पहुंच जाए, है ना? तो ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और प्रॉफिट घटेगा आपका तो कॉस्ट भी घटेगा। तो वही सारा फंडा जो आपका वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है? तो ये ऐसी कॉस्ट होती है कि जब आपका जो आउटपुट है वो अगर ज़्यादा होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, कम होता है तो कम हो जाती है। यानी कि अगर सेल्स आपकी डबल हो जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी डबल ही हो जाती है। सो दिस इज अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर दिख रखा है, लिख रखा है एग्जाम्पल में, रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, फ्रीट इनवर्ड आउटबाउंड हो गया, सेल्स कमीशन, रॉयल्टी, पावर, फैक्ट्री पावर, पीस रेट, ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ पे आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया आपका। एंड अब हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर, कॉस्ट वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, ठीक है? ब्रेक इवन एनालिसिस, वो है आपका पेज नंबर, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया भाई, कितनी नीचे नीचे है, ये रहा ये रहा, ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है? सो यहाँ पर पूछा, पहला क्वेश्चन है कि वाई आर वी इन बिजनेस, कि हम बिजनेस में क्यों हैं, कि मतलब बिजनेस खुलते क्यों हैं, क्यों हम बिजनेस में इंडल्ज होते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए, है ना? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब हमारे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है, कब तक कमाना है, कितना कमाना है ना, और हम उसको कैसे कमाएंगे, क्या क्या हम करेंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डे वन से ही नहीं कमाते, कई कईयों को तो बहुत टाइम लग जाता है प्रॉफिट कमाने में, और कई कईयों को बहुत जल्दी वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा किसी टाइम में, तो उस टाइम को आप जेस्टेशन पीरियड बोलते हो, ठीक है? और हर कोई ये समझता है कि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतने ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और मतलब उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा और हायर आपके प्रॉफिट होंगे, है ना? सर्टेन क्वालिफिकेशन क्या है, हाउएवर सर्टेन क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर दिस टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कैसे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। और अगर आप चाहते हो कि आप लॉसेस ना करूं अपने बिजनेस में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? वो कैलकुलेशन कैसे होती है कि मुझे कितना बनाना चाहिए, एक दिन में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, क्या मैं इतना बेचूं कि मुझे बाद में लॉस फेस करने का ना मिले। आपने आपको अगर ध्यान हो तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, जिसमें आपने यही सारी चीज़ें पढ़ी है कि एक प्रोड्यूसर को कहाँ तक बनाना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि उसको हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा हो, और अगर उससे आगे, उस पॉइंट से आगे वो प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसको लॉस होंगे। तो वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट यहाँ पर है ब्रेक इवन एनालिसिस में, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या कैसा होता है, ये एक अमाउंट होता है, या फिर ये एक लेवल ऑफ सेल होता है, या फिर ये एक लेवल ऑफ रेवेन्यू होता है, जहां पर जो आपका रेवेन्यू होगा वो आपके एक्सपेंस के बराबर होगा। मतलब जितनी आपकी बिक्री हुई उतने ही आपका खर्चा हुआ। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक कंपनी ना तो प्रॉफिट कमा रही होती है ना ही वो लॉस कमा रही होती है, उसको आप ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस
कहते हो। ये बहुत सिंपल है लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है मैनेजर्स के लिए। अब आप ये कहोगे कि ब्रेक इवन पॉइंट में तो नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होते हैं, तो हम इसको कंसिडर ही क्यों करते हैं, है ना? तो वो चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगी। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रेक इवन एनालिसिस प्रोवाइड। ब्रेक इवन एनालिसिस से क्या पता चलता है कि वेदर और नॉट रेवेन्यू फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस हैज एबिलिटी टू कवर द रेलिवेंट कॉस्ट, कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है अगर इसके पॉइंट के बाद आप प्रोड्यूस करोगे तो आपकी कॉस्ट नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम प्रॉफिट क्यों कमाते हैं कि मान लो अगर मुझे इस पेंसिल को बनाने में 10 रुपये लगे हैं तो मैं इसको 12 रुपये की बेचूँ तो मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, हम यही तो चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा बनाते जाएंगे पेंसिल ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर पेंसिल भी 10 रुपए की बनी हुई है और हमारा खर्चा भी 10 रुपए का है, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस हो। और अगर उस पॉइंट पर हम सावधान हो जाएंगे कि इस पॉइंट तक तो ठीक है हमारी कंपनी को लॉस नहीं होगा, इस पॉइंट तक हम रुक जाते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद अगर हम प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा पेंसिल बनाते हैं तो हमें लॉस हो गई होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी कॉस्ट निकल नहीं पाएगी और प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो ऐसा पॉइंट हमें बिजनेस में जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉस हो और हम उस पॉइंट से इससे साइड रहें, है ना, जिससे कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। समझ रहे हो? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपके बिजनेस का पता होना चाहिए। अब इस ब्रेक इवन लेवल पे या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस होता है, और ब्रेक इवन वॉल्यूम या फिर इसको आप ब्रेक इवन लेवल को कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ की। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपको देनी ही देनी है, उसको आप लगाओगे पर मंथ को, डिवाइड करोगे कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट की, एक यूनिट पर, एक चीज़ पर, एक पीस पर आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है, 2.5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, 1.5 रुपये का, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है राम का, उसका टी वेंडिंग बिजनेस है, और इस एग्जाम्पल को आपको ना चाहते हुए भी समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए और उससे आपको बोला जाए कि ब्रेक इवन वॉल्यूम, ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, राम जो कि पहले एक रेस्टोरेंट में काम करा करता, अब उसने सोचा कि यार मुझसे जॉब नहीं होगी, मुझे अपना एक खुद का चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसको डेली के, जब वो रेस्टोरेंट में काम करता था तो डेली के उसको 300 रुपये वेजेस मिल जाया करते, ठीक है, उसकी मजदूरी के। राम इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मोबाइल, जैसे कि राम ने सोच लिया था कि वो टी का बिजनेस स्टार्ट करेगा, चाय का बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उसे एक ऐसी हैंड कार्ट चाहिए थी जिसको वो हिला डुला सके, एक टाइप की आप रेडी कह सकते हो, तो वो उन्हें चाहिए थी छोटी सी अपने टी वेंडिंग बिजनेस के लिए। और वो उन्हें क्यों चाहिए थी, ताकि वो बहुत सारी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ले जाके उस कार्ट को, और फिर क्या करें, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो लेके गए और उसके बाद वो क्या करने लग गए, ताकि वो वहाँ पे बेच सकें, वो भी दिन के टाइम पे। ठीक है, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको बहुत सारे बर्तन, वो रेडी यानी कार्ट, एक चूल्हा स्टोव टाइप का, फ्यूल चाहिए, स्ट्रेनर चाहिए, थर्मोस फ्लास्क चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी कॉस्ट जब उन्होंने जोड़ी तो 12,000 रुपये निकली। ठीक है, कि उन्हें 12,000 की लागत जो है वो लगानी पड़ेगी। तो साथ ही साथ ये तो चल ठीक है, ठिकाना जमाने के लिए हमें ये सारे सामान तो चाहिए ही चाहिए एज अ फिक्स्ड एसेट, लेकिन हमें डेली का भी खर्चा करना पड़ेगा दूध यानी कि मिल्क, शुगर, कप, टी लीव्स लाने के लिए, और डेली के मुझे 1,000 रुपये भी लगाने पड़ेंगे। सो ये होता है, ये उसने सोच लिया कि डेली के 1,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ अपना वो जमाने के लिए एक जगह, मतलब मुझे रेडी जमाने के लिए या फिर एक जगह रखने के लिए मुझे 12,000 रुपये भी लगेंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जैसे राम एक महीने के 9,000 रुपये तो कमा ही रहा था, तो उसके पास 1,000 रुपये थे, ठीक है, डेली के आइटम्स खरीदने के लिए जैसे दूध, चीनी, पत्ती वगैरह, लेकिन जो 12,000 रुपये बिजनेस जमाने के लिए लगाने थे एज अ फिक्स्ड एसेट, वो उसने अपने एक फ्रेंड से बोरो किए थे, और उसने सोचा कि मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये 12,000 ना धीरे धीरे सालों में देता रहूँगा, और 4 रुपये के पर डे के इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि 12% पर एनम हो गया, यानी कि वो 12,000 तो देगा ही देगा, लेकिन साल के वो, मतलब दिन के वो 4 रुपये एज अ इंटरेस्ट भी देगा। तो फिर उसने एक चीज़ की कॉस्ट भी निकाली,
कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टी फ्रॉम 1 लीटर मिल्क। अब राम जो है 1 लीटर दूध लेके आते हैं, तो उसने देखा कि अगर मैं 1 लीटर दूध लेके आता हूँ तो मुझे कितना कितना खर्चा पड़ेगा। 1 लीटर दूध आता है 30 रुपये का, 2 लीटर पानी आएगा 2 रुपये का, शुगर चीनी 300 ग्राम आएगी 30 रुपये की, चाय पत्ती 100 ग्राम आएगी 20 रुपये की, और फ्यूल जो लगेगा वो 2 रुपये का। तो टोटल कितना हो गया, 84 रुपीज हो गया 1 लीटर दूध की चाय के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर और देखो, फॉर दिस राम विल बी एबल टू गेट 30 कप्स। अब उसे 1 लीटर दूध में से उसके 30 कप बनते हैं चाय के, और हर एक कप की क्वांटिटी होती है 100 ml। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे उसके 1 लीटर दूध में से 30 कप बन रहे हैं, बट क्या पता वेस्टेज भी हो जाए, थोड़ा बहुत कहीं गिर विर जाए बाय मिस्टेक कभी, और इवेपोरेशन भी तो होती है चाय बनाते वक्त, है ना, तो दूध पानी थोड़ा बहुत इवेपोरेशन से भी उड़ जाता है। तो क्या पता उसके 1 लीटर दूध में से जो 30 कप बने थे, क्या पता वो सिर्फ 28 कप बन जाए। तो इसलिए जब उसने कॉस्ट किया तो उसने देखा कि 84 रुपीज़ तो मेरी लागत लग रही है 1 लीटर दूध में से चाय बनाने के लिए, 84 रुपीज़ लग रही है ना। और फिर उसने क्या किया, उसको 28 से डिवाइड कर दे, क्यों, क्योंकि 1 लीटर दूध में से उसको 84 रुपीज़ की लागत तो लग ही रही है, साथ ही साथ उसके 28 कप निकल रहे हैं, तो 1 कप की कीमत जो है वो 3 रुपये हो गई। ठीक है, तो अब वो कप भी तो लाना है, डिस्पोजेबल कप जिसमें वो सर्व करेगा। तो डिस्पोजेबल कप लाया 50 पैसे का, तो उसकी लागत कितनी लगी 1 कप पे, 3.50 रुपये। ठीक है, अब क्या होता है, राम ने एक जगह ढूंढ ली और वो आसपास के वेंडर से जो कि चाय का काम ही कर रहे थे उनसे पूछते हैं कि आपके 1 रुपये 1 कप कितने रुपए का बेचते हो। तो वो लग कहते हैं कि अब जी हम तो 5 रुपये का बेचते हैं। तो उसने भी सोचा कि मैं 5 रुपये का ही बेचूंगा क्योंकि सब 5 रुपये का बेच रहे हैं। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 3.50 रुपये की तो उसकी लागत लग रही है, बेच वो 5 रुपये का रहा है, तो उसको 1.5 रुपये का फायदा हो गया 1 कप के ऊपर, है ना। अब आगे क्या होता है, राम ने एक हेल्पर भी रख लिया है ना अपने साथ साथ, और उसकी वेजेस रखी पर डे की 99 रुपीज़, है ना। अब यहाँ पर वो रेंट तो देता नहीं है, लेकिन 10 रुपये का वो डेली का प्रोटेक्शन मनी देता है ताकि वो उस एरिया में अपना बिजनेस कर सके, है ना, पुलिस वगैरह को देता है वो। ही पेज इंटरेस्ट ऑफ ₹4 पर डे, साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी देता है 4 रुपये का। अब ये इंटरेस्ट कौन सा आया था 4 रुपये का, ये वाला जो उसने अपने फ्रेंड से 12,000 रुपये लिए थे ना, उसका 4 रुपये का वो इंटरेस्ट भी देता है। और वो उसकी खुद की भी कमाई, जो वो रेस्टोरेंट में काम करता था, अब वो पहले 300 रुपये पे काम करता था पर दिन के, अब वो यहाँ पर भी तो 300 रुपये का कम से कम उसको काम होना ही चाहिए ताकि वो अपनी भी कमाई निकाल पाए, वो भी तो मेहनत कर रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, राम नोज दैट ही नीड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 रुपये। राम को पता था कि उसको 12,000 रुपये जो उसने अपने दोस्त से लिए हैं उसको भी रिकवर करना पड़ेगा, है ना, उसको भी फटाफट से देना पड़ेगा, साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो 5 साल या फिर 60 महीनों में ये 12,000 रुपये अपने फ्रेंड को देगा। और उसने देखा कि अगर मैं 5 साल में ये 12,000 रुपये अपने दोस्त को लौटाता हूँ तोड़ तोड़ के, तो मुझे पर डे के 7 रुपये तो निकालने ही निकालने हैं। अब उसकी ये जो मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई, उसकी एक दिन की कॉस्ट या फिर एक दिन की लागत कितने रुपये आई, 300 रुपये तो उसकी खुद की कमाई होनी चाहिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट में भी 300 रुपये में काम करता था। फिर 99 रुपये के जो उसने वर्कर रखा हुआ वो उसी कॉस्ट लगेगी डेली की। फिर उसके बाद 10 रुपये वो प्रोटेक्शन मनी देता है, ठीक है, 4 रुपये वो इंटरेस्ट देता है अपने दोस्त को, ठीक है, और 7 रुपये जो है वो 12,000 को उतारने के लिए देता है डेली का डेली, क्योंकि उसे 5 साल में वो पैसे देने ना, इसलिए। तो टोटल कॉस्ट उसको 420 रुपये तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी डेली की। अब यहाँ पर देखो एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है राम के टी वेंडिंग बिजनेस की, इसमें 4 दिन की राम की बताई हुई है। चार पहले day 1 में देखो कितने कप बिके, 200, day 2 में 280, day 3 में 500, day 4 में 1000। ठीक है, अब सेल्स हुई 1,000 रुपये की, कॉस्ट लगी 700 की, प्रॉफिट आया 300 रुपये का, एक्सपेंस उसके लगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो है वो उसके लगते हैं इधर 420 रुपये के। ठीक है, एक्सपेंस उसका लगा 420 का, प्रॉफिट हुआ उसको 300 रुपये का, तो इसलिए 120 रुपये का उसको लॉस हो गया। अब यहाँ पर देखो day 2 में उसका प्रॉफिट आया 420 का और उसका एक्सपेंस भी लगा 420 का, तो इसका 0 आ गया। day 3 में देखो प्रॉफिट हुआ 750 का, एक्सपेंस हुआ 420 का, तो 330 रुपये प्रॉफिट के बच गए। और day 4 में प्रॉफिट हुआ 1500 का,
और 420 का उसका एक्सपेंस हुआ, तो 1,080 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको कौन सा समझाया था कि वो पॉइंट जहाँ पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट आपका बराबर है किसके, एक्सपेंस के। तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट भी 420 है और आपका एक्सपेंस भी 420 है, तो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस कितना आया, जीरो। तो यानी कि ये डे टू जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है ना। तो यहाँ पर भी वही निकाला हुआ है कि डे टू में राम के पास ब्रेक इवन था, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन थी, और 280 रुपये, 280 का पर डे जो था वो उसको पे करना था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला उन्होंने, फिक्स्ड कॉस्ट पर डे, एक दिन की कॉस्ट उसको कितने रुपए निकालनी थी, 420 रुपये उसको निकालनी ही निकालनी थी। ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ना, देखो यहाँ पर 420 रुपये उसको निकालनी निकालनी थी, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1.5 रुपये एक ग्लास का, है ना। इसको आप डिवाइड करोगे तो 280, यानी कि 280 जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन लेवल क्या है, 280 कप अगर आप बेचोगे एक दिन के, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब आपका टारगेट कैसे आप सेट करोगे, देखो अब हमें एज्यूम करना है कि राम को कम से कम एक दिन के 600 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तो हम ये सोचो कि उसको एक्सपेक्टेड 600 रुपये तो कमाना ही कमाना है। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, 420 की, तो टोटल कितना हो गया, 1,020, इन दोनों को ऐड कर दो ना। उसके बाद मार्जिन कितना है, 1.5 रुपये का, तो आपका सेल्स टारगेट कैसे निकलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट है 420, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कितना, 600, ग्रॉस मार्जिन है 1.50। तो यानी कि 1,020 को आप 1.50 से डिवाइड करोगे, यानी कि मैं अगर ये पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 100, एक इस तरीके से, और ये 0 से 0 कट गया, तो 10,200 को 15 से डिवाइड करोगे तो 680 रुपये का पर डे आएगा। यानी कि अगर उसको 600 रुपये डेली की डेली चाहिए, तो उसको 680 कप डेली के बेचने ही बेचने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप टारगेट सेटिंग भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आप 1,000 रुपये भी कर सकते हो कि डेली के 1,000 रुपये कैसे कमाने हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये किसी भी चीज़ में आपका हो सकता है, और यहाँ से इस तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे, जिस पॉइंट पे नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है, तो वो चीज़ आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। और इसी के तरीके से ये टॉपिक और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, वीडियो है, और मेरे समझाने का तरीका अच्छे से अच्छा लगा होगा। नोट्स चाहिए, मतलब नोट्स तो नहीं, ये अगर आपको एनसीईआरटी बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।